गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो से आप लोगों को पता लग ही गया था कि मैं पहाड़ों में रहती हूँ और यहाँ से हमारे घर के बालकनी से बाहर या किसी भी विंडो से बाहर अगर हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर व्यू आता है। ये देखो गाइस, ये मेरी बालकनी से जस्ट बाहर का व्यू है और ये कोई वॉलपेपर नहीं है, ये रियल व्यू है। यहाँ इतना बैठ के इतना शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है। यहाँ बैठ के हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं और ये बाहर का व्यू एंजॉय करते हैं। थोड़ा और इधर तक देखो, देखो कि दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं सामने, कैसा कितने सुंदर व्यू है। पूजा डन और नहाना धोना सब डन और मुझे कहीं जाना है एक्चुअली, तो मैं इसलिए थोड़ा रेडी हुई हूँ जाने के लिए। तो मैं भी कहीं जा रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ और जाने से पहले मैं नारियल पानी पी के जा रही हूँ, बिकॉज मैं डेली नारियल पानी पीती हूँ यहाँ पे। इसके दो रीज़न है, एक तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है और दूसरा कि यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है। एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में नारियल पानी 60 रुपीज़ का है या 70 का है कहीं कहीं तो, और कंपेरेटिव टू दैट यहाँ पे नारियल पानी 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में मिल जाता है, तो हाफ प्राइस हो गया। तो फ़ायदा उठाना चाहिए, तो दो फायदे हो गए, एक तो सस्ता है और दूसरा हेल्दी तो है ही। तो सुबह सुबह एक ग्लास नारियल पानी। सो हे गाइस, मैं वापस आ गई हूँ जहाँ मैं गई थी वहाँ से, और अभी मैं वापस आके सीधा अपनी बालकनी में बैठी हूँ क्योंकि यहाँ से इतना सुंदर व्यू आ रहा है ना। जब मैं गई थी ना तब भी बहुत अच्छा वेदर था उस टाइम पे, और जब मैं वापस आई हूँ ना तो उससे भी ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है। तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं अंदर जाके बैठूं, मैं बाहर बालकनी में बैठी हूँ। मैंने यहाँ पे बीन बैग्स वगैरह लगाए हुए हैं बालकनी में सिटिंग के लिए। वैसे तो चेयर्स वगैरह भी हैं बट बीन बैग्स आर मोर कंफर्टेबल, सो मैं बीन बैग्स पर बैठी हूँ और मैं बिल्कुल सामने व्यू देख रही हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू है, मतलब मैं कितना भी यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लूँ ना मेरा मन ही नहीं भरता। मैं यहाँ पर इतना अच्छा व्यू आ रहा है और अब साथ में बारिश भी आ रही है। यहाँ ऑलमोस्ट डेली बारिश आती है, वैसे तो कुछ नई चीज़ नहीं है पर जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ वहाँ बारिश देखना बहुत कम मिलता है या सीजन्स में ही मिलता है। यहाँ मुझे डेली बारिश देखने को मिलती है ऑलमोस्ट, एक दो दिन बीच में गैप हो जाता है, नहीं तो डेली ये ऐसा वेदर रहेगा और बारिश आएगी। मतलब मैं, मुझे पता है मैं यहाँ से जाने के बाद ये सब कुछ बहुत मिस करूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ कैप्चर कर लूँ अपने लिए ही,
ताकि ये मेमोरीज मेरे भी काम आए इन फ्यूचर। नहीं मैं आपको तो दिखा ही रही हूँ उसके साथ साथ, बट मैं खुद के लिए भी ये मेमोरीज कैप्चर करना चाहती हूँ, ताकि मैं ऐसे जाने के बाद भी इनको देख के और याद कर सकूँ कि हाँ मैं यहाँ रहती थी, ऐसा मेरा घर था, ऐसी मेरी बालकनी थी और ऐसा मौसम था। मैं आपको बारिश दिखाती हूँ, मतलब ऊटी की बारिश। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे अपने कमेंट्स भी लिख देना, जिसको भी कुछ और जानना है या कुछ बोलना है, क्या आप लोग मेरे नए व्लॉग्स में देखना चाहते हो, मैं वो सब दिखाने का ट्राई करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय।